सीतापुर में चुनाव से पहले भाजपा की सेंधमारी सपा नेता और उद्योगपति आशीष गुप्ता अपनी पत्नी और कार्यकर्ताओं संग भाजपा में आए। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी मेनका गांधी सुल्तानपुर में मीडिया से बोली, अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। लखनऊ व्यापार मंडल का मेयर चुनाव में भाजपा को समर्थन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद बनी सहमति। मुजफ्फरनगर में गठबंधन नेताओं की चेतावनी, विधायकों ने सरकार की मंशा पर खड़ा किया सवाल, साजिश हुई तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। महाठक संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लखनऊ, वाराणसी और गाजीपुर में कई अहम दस्तावेज खंगाले गए। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अजीतमल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट करने की अपील की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम मिश्रा ने फूल माला पहनाकर उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। डिप्टी सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट देने की भी अपील की है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दिया है। और इस बयान में उन्होंने कहा कि 2022 में मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया, क्या हुआ। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की है। बाद में कांग्रेस नेता का एक बेहद ही बड़ा बयान सामने आया। निकाय चुनाव के मतदान से पहले उन्होंने कहा है कि जो सभी मुस्लिम तबके के लोग थे, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देकर क्या उखाड़ लिया, क्योंकि सपा ने तो कोई काम मुसलमानों के लिए किया नहीं। तो उस दौरान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी है उनको वोट दे। आगरा में बीएसपी महापौर की प्रत्याशी लता वाल्मीकि ने बताया कि शहर में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की बनी हुई है, साथ ही मलिन बस्तियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस बार आगरा शहर की जनता भी बीएसपी के साथ है। वहीं लता वाल्मीकि के महापौर बनते ही शहर के साथ साथ शहर की जितनी भी मलिन बस्तियां हैं वो भी दुरुस्त रहेंगी। बोले समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, सब समाज एकजुट हो गया है। इस समय आप देखिए गुलदस्ता की तरह बन गया है। इस बहुजन पार्टी के लिए सब लोग कार्यकर्ता जमीन स्तर से कार्य कर रहे हैं, और सभी वाल्मीकि समाज तो मेरा सभी एक तरफ से वोट डालेगा ही डालेगा, सभी समाज भी डालने तक से तैयारी में जुटा हुआ है। आप हर एक वार्ड में गई, क्षेत्र में तमाम लोगों से मुलाकात की होगी, तो उस दौरान किस तरीके की क्षेत्र में जन समस्याएँ थी? मैं जिस वार्ड घूम रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि पानी तो कुछ जगह बिल्कुल ही पानी नहीं है। जैसे नल होना चाहिए, समर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लोग बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं, वो लोग कंप्लेंट भी कर रहे थे कि लोग वोट लेने के लिए जरूर आते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं देते। मैं पूरा विश्वास दिलाकर आई हूँ कि हम लोग बीच में आते तो आपको पानी की व्यवस्था पूरी दी जाएगी। प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल को घर के सामने ही गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना में शामिल शूटरों ने घटना के दो दिन पहले उमेश पाल को मारने की कोशिश भी की थी, जिसका एक और वीडियो अब सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि सभी शूटर उमेश पाल के घर के बाहर गली में पहुंच गए हैं। वही घटना में शामिल कार भी तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो उमेश पाल हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि इस हत्या से दो दिन पहले भी उमेश पाल को मारने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की जीप की वजह से जो आरोपी है वो अपनी इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, जिसके महज दो दिन बाद ही उमेश पाल को गोलियों और बम से मौत के घाट उतार दिया गया था।
तो वहीं बिजनौर में माइक्रो ऑब्जर्वर ने पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान पोलिंग पार्टियों ने को बूथ अलॉटमेंट और अन्य मतदान सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के लिए ये मीटिंग की गई थी। पोलिंग पार्टियों को बूथ अलॉटमेंट की ओर से अन्य मतदान सामग्री भी लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस समय यहां पार्टियां आ चुकी हैं, अपना सामग्री लेकर के वो रवाना हो रही हैं। उनके वाहनों की समुचित व्यवस्था हो गई, उनको सारी सामग्रियां मिल रही हैं और हमारा प्रयास होगा कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, कहीं किसी को कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के आयोग के मानक के अनुरूप सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन यानी 2023 की प्रक्रिया के दृष्टिगत मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया है, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों पर साफ सफाई, बिजली और पानी की उपलब्धता की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आगामी चुनाव जो 4 तारीख को जनपद रायबरेली में होना है, तो उसके दृष्टिगत आज कप्तान साहब और मैंने पूरे नगर निकाय क्षेत्रों के विगत दिनों में और आज भी भ्रमण किया है, विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया है। जहां आवश्यक निर्देश देने थे वो दिया है संबंधित अधिकारियों को, और सभी मध्य स्थलों पर पूरी व्यवस्थाओं को, पूरी तैयारियों को परखा है। उसमें जहाँ जहाँ जो दिक्कतें थी उसको दूर करवाया गया है, और जो मतदाता आकर वोट डालना चाहेंगे 4 तारीख को, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर संचालकों को गर्भपात की दवाई बेचते हुए गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एमटीसीपी किट भी बरामद की गई है। छापेमारी टीम में शामिल ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। आज एक माननीय सिविल सर्जन जी को गुप्त सूचना मिली थी और उनके आधार पर उन्होंने एक टीम का गठन करा और उसी के व्याप पर कल से ये टीम चल रही थी और आज ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। MTP की एक रेड थी जिसमें किट के माध्यम से एक मेडिकल स्टोर वाला सुभाष कॉलोनी बल्लोगढ़ में, वो किट के माध्यम से गर्भपात की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहा था और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। गाजियाबाद में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। दरअसल यह अभियान शाइस्ता परवीन को लेकर चलाया गया और दिल्ली के रहने वाले युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया था। हालांकि ये सूचना पूरी तरीके से फर्जी निकली है। दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। दरअसल शाइस्ता परवीन जो है वो इनामी घोषित की गई है, जिसके बाद लगातार जो यूपी पुलिस है वो तमाम राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार करती हुई नजर आ रही है, ताकि शाइस्ता परवीन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं बीते दिनों दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम पर एक फोन आया और ये सूचना दी गई कि शाइस्ता परवीन जो है वो हाईवे के रास्ते से कहीं जा रही है, और इसकी सूचना तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को दी, जिसके बाद तमाम छापेमारी की कार्रवाई की गई, बसों को रोका गया, ट्रेनों में तलाशी ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस अब लगातार फोन करने वाले युवक की तलाश करने में भी जुटी हुई है। हमीरपुर में सनकी प्रेमी ने शादी करने से इनकार करने पर प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। ग्राम बसेला में एक 19 वर्षीय लड़की को एक दीपक नाम का व्यक्ति, जो कि ग्राम बसेला का ही रहने वाला है, उस पर के द्वारा गोली से हमला कर दिया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के लड़की को इलाज के लिए CHC राट ले जाया गया था, जहां से उसको फर्दर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर बताया है कि दोनों का 3 साल से प्रेम संबंध था। परिवार द्वारा शादी के लिए मना करने पर उसने गुस्से में आकर लड़की पर कर हमला किया था। अभियुक्त के पास से वह तमंचा जिससे लड़की पर हमला किया गया वो भी बरामद कर दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
फतेहपुर में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले की 10 निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही 472 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मतदान कराने के लिए 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 10 जोनल मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है, जो निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण कर सील रहेंगे। इसके अलावा उड़न दस्ता की टीम LIU को भी नजर बनाने के निर्देश दे चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और 19 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। सभी की कई बार ट्रेनिंग कराई गई है, सभी ने अच्छे से ट्रेनिंग ग्रहण की है और सभी से हम लोगों ने भी सतत संपर्क करके उनको ट्रेन करके और हम आश्वस्त हैं कि ये सभी पोलिंग पार्टियां नियमानुसार चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष शांतिपूर्ण और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएंगी। मतदाताओं को क्या कहेंगे सर, किस प्रकार मतदान में चढ़ बढ़ करके इस सभी मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि बिना ESC की पुलिस बल लगाया गया है और दो नगर मुक्ति नारायण सिंह निकाय में चुनाव हो रहा है। मुक्ति नारायण सिंह बेटा अधिकारी तत्काल काउंटर पर संपर्क करें ऑर्डर के लिए। मुक्ति नारायण सिंह वाटी चला रखी है, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। टीम लेके मोबाइल में रहेंगे, FIR की कार्रवाई की जाएगी। सरकार संपर्क करिए, दफ्तर में सबकी टीम बनी हुई है। हम DM साहब भी निकलेंगे, सतीश प्रकाश DM साहब, सतीश प्रकाश ये सब लोग लिखेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।